हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले जो बीसीए होता है तो उसका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो तो उसका जो बीसीए होता है तो उसके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे आसान हिंदी में मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, और ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि जो पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट है आपको पता चल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर के पार्ट होते कंपोनेंट्स होते तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग बेसिक से सिखाई जाएगी। अगर आपको पहले से कोडिंग नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यहाँ पे बेसिक से कोडिंग सिखाई जाएगी। उसके बाद आता है डाटा स्ट्रक्चर, तो डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स वगैरह क्या है वो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस, तो ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सेट्स वगैरह थ्योरी होती है तो वो आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर के अंदर के पार्ट के बारे में बताया जाता है कि प्रोसेसर होता है, रजिस्टर्स वगैरह, तो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस लिए यूज होता है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस आपको सिखाया जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो क्लासेस होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये कुछ सब्जेक्ट थे जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीसीए के लिए। उसके बाद सॉफ्ट स्किल भी सब्जेक्ट होता है,